हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। वैसे तो आपने एक ट्रिक सुन रखी होगी, समानता वर्ड है एक, लेकिन उसमें सिर्फ चार नदियां ही कवर होती हैं, साबरमती, नर्मदा, समानता, माही और ताप्ती। तो ये चार नदियाँ ही कवर होती हैं, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो टोटल 12 है। और कौन कौन सी है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो भादर है, सतरंगी है, साबरमती है, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भारतपुजा। आई थिंक भी क्लियरली विजिबल होगा। और यहाँ पे मैंने एक मैप बनाकर इनकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट उसको भी दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि आप लोगों ने अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको स्टेट की जो लोकेशंस हैं वो सब पता होंगे, इधर कौन कौन से स्टेट यहाँ पे इंजन की लोकेशन है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे ये सारी नदियाँ वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने नदियों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाए। लेकिन अभी हमें बात करनी है ट्रिक के बारे में, क्योंकि बिना ट्रिक का तो इतनी 12 रिवर्स के नाम हमको याद नहीं रहने वाले हैं। तो 12 नदियों के नाम को याद करने की एक ट्रिक है। वैसे तो ये वाली ट्रिक, ये वाला नाम तो आपने कर ही रखा होगा। इन चारों नदियों को तो आप समानता से याद कर सकते हैं, समानता, ठीक है। बाकी इन 6 नदियों को थोड़ा अलग याद करेंगे और बाकी इन दोनों को इसी में ऐड करेंगे। कैसे कि भादर नदी है ये, भादर, तो इसको हम समझेंगे भादो। आपने हिंदी महीनों के नाम सुने होंगे, तो भाद्रपद या भादो, क्वार, कार्तिक ऐसे करके सुने होंगे, तो उसी से इसको रिलेट कीजिए। भादो है ये, ऐसा समझिए। तो भादो का महीना जो होता है उस महीने में तो कृष्ण जी का भी जन्म हुआ था, तो वो भादो जो है वो तो सतरंगी होती है, समानता नहीं होती है उसके मौसम में, ठीक है। भादो में समानता नहीं होती है, सतरंगी होती है भादो, ऐसे करके आपको याद रखना है। 6 के 6 नाम आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद रखना है, भादो जो है उसमें समानता नहीं होती है, सतरंगी होता है भादो का महीना, ठीक है। 6 नदियाँ आपको याद हो चुकी हैं। अगली 6 नदियाँ कैसे याद होंगी, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है, जोर भी नहीं डालना है, थोड़ा सोचना है। एक बार सुनिए, ये मांडवी और भरत, भारतपुजा नदी से भरत निकालते हैं हम और यहाँ से मांडवी। तो ये नाम तो आपने सुन रखे होंगे, रामायण में भरत की पत्नी थी मांडवी, राइट। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों नामों के साथ इन चारों को ऐड करते हैं। कैसे कि मांडवी जो थी भरत की पत्नी थी, ये तो आपको पता है, ये दो नदियाँ तो हमको याद हो जाएंगी, लेकिन मांडवी नाम से कुछ गुफाएं भी हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि मांडवी की गुफाओं में गुफा ऐड क्यों किया है, उसको मैं अभी बताऊंगी। पहले आप जरा सुनिए कि मांडवी की गुफाओं में जुआ खेलोगे, जवारी से, या फिर कहीं कहीं इसको जुआरी भी लिखा हुआ है, जुआरी। तो मांडवी की गुफाओं में अगर आप जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, तो फिर क्या होगा। मांडवी की गुफाओं में जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, तो फिर तो आप कहीं भी जाओ, जैसे कि गंगा नहाओ, चाहे आप भरत के पैरों में पड़ो, पेरियार से पैरों हो गया, और गंगा तो ऑलरेडी गंगा है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मतलब अगर मांडवी की गुफाओं में अगर आप जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, तो फिर चाहे आप भरत के पैरों में पड़ो या फिर चाहे गंगा नहाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। आपने पाप तो कर दिया अगर मांडवी की गुफाओं में आपने जुआ खेला, शराब पिया। तो आई थिंक कि ये सेंटेंस आपको याद रहेगा, बहुत छोटा सा है, इजी सा है। और ये भी याद रहेगा कि भादो में समानता नहीं होती है, सतरंगी होता है भादो का महीना, तो ठीक है। ये भी याद हो गया। बस ट्रिक यही थी, लिखने की भी यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लोग नोट कर सकते हैं अपने उसमें नोटबुक में कि भादो तो सतरंगी होती है, उसमें समानता नहीं होती। और दूसरा सेंटेंस ये कि मांडवी की गुफाओं में अगर आप जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, तो फिर चाहे आप गंगा नहाओ, चाहे भरत के पैरों में पड़ो, फिर कुछ नहीं होने वाला। पाप तो आपने कर दिया है जुआ खेल के, शराब पी के, मांडवी की गुफाओं में, ठीक है। और लोकेशन आप देखिए, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे ये गुजरात, आपको लोकेशन तो पता ही होंगी ना, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ठीक है। तो ये भादर नदी है, इधर फ्लो करती है,
मतलब सारी नदियाँ ही वैसे इधर ही फ्लो कर रही हैं पश्चिम की तरफ और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो इनके एक बार एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि भादर है सतरंजी, क्योंकि इनको क्रम में लगाने के लिए आ सकता है, क्योंकि अगर अपर लेवल का एग्जाम हुआ जैसे UPPCS तो उसमें क्रम में लगाने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये एकदम क्रम से लगी हुई हैं यहाँ पे नदियाँ, भादो है, सतरंजी है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। तो ये हो गई आज की हमारी ट्रिक पूरी 12 नदियों की, 12 नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। और नेक्स्ट ट्रिक जो आने वाली है वो आएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इधर कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं वो सारी, उन सारी नदियों को हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ये मुझे ज़रूर बताना। और दोनों ट्रिक्स, ये दो सेंटेंस में हमने कवर किया है इन 12 नदियों को, तो दोनों सेंटेंस को एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ना भी याद रहे बाद में। एक बार लिख लोगे आप तो फिर हमेशा के लिए आपको याद रह जाने वाला है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बोल सकते हैं मेरे से कि यहाँ पे मैंने लूनी को ऐड नहीं किया, लूनी को मेंशन क्यों नहीं किया, उसका रीज़न ये है क्योंकि लूनी नदी जो है वो अरब सागर तक पहुँचने से पहले ही कच्छ के रण, यानी कि गुजरात में जो कच्छ का रण है वहीं पे विलुप्त हो जाती है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी ही है वो। और लूनी नदी क्योंकि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है इसीलिए अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर एग्जाम्स में आता है, या तो आएगा कच्छ का रण गुजरात, अगर वो नहीं आता है तो फिर अरब सागर आएगा, तो आपको देखकर टिक करना है कि क्या ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, बेस्ट आंसर जो रहेगा, वैसे अगर दोनों ही गिवन है बेस्ट आंसर रहेगा तो कच्छ करण गुजरात में वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज के सारे नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया, अरब सागर में टोटल 12 नदियाँ गिरती हैं, 12 के 12 वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।